नमस्कार मित्रों, आज हम फिर आपके लिए कुछ नया लेके उपस्थित हैं। हमारे दर्शक ने हमसे अघोरी विधियां बताने की गुजारिश की थी, तो उनके अनुरोध पर आज हम आपके लिए अघोरी विधियां लाए हैं। आज हम आपको बता रहे हैं शत्रु को रोगी बनाने की अघोरी विधि। हम आपसे हर अघोरी विधि के वीडियो में ये जरूर कहना चाहेंगे कि अघोरी विधियां आसान नहीं होती, इनके लिए आपकी एकाग्रता और साधना में सूक्ष्मता आवश्यक है। आपको जिस तरह से बताया जा रहा है उसी तरीके से उस प्रयोग को आगे करें, और तभी करें जब शत्रु आपके लिए एक काल का दूसरा रूप बनकर खड़ा हुआ, अन्यथा केवल हंसी खेल के लिए ये अघोरी प्रयोग ना करें। ये बहुत ही विशेष अघोरी प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं मित्रों, थोड़ा बड़ा है, ध्यान से सुनिए, ध्यान से कीजिए, हमारे कैप्शन को देखिए, वो आपकी बहुत सहायता करेगी। देखिए मित्रों, शत्रु को आजन्म रोगी बनाने का प्रयोग। अमावस की रात को घर से उठें, अपने घर के आसपास किसी वट वृक्ष पर रहने वाले कौए की पहचान आप पहले से कर, उस वट वृक्ष पर जाकर एक नर कौए को पकड़ लाए, उसको इस तरीके से पकड़ें कि वो कौआ बोल ना पाए, पकड़ें तो उसका मुंह दबा दें, ना पकड़ने से पहले और ना पकड़ने के बाद वो कौआ आपसे कुछ बोल पाए, उस कौए को पकड़ना है। यदि कौवा बोल दे तो उस कौवे को छोड़ दें और फिर दूसरा कौवा पकड़े, क्योंकि कौवे की आवाज नहीं आनी चाहिए। उस कौवे को पकड़ के घर पे लाएं, एक पिंजरे में बंद कर दें और एक सुरक्षित स्थान पर जहां बिल्ली इत्यादि ना आ सके वहां पर रख दें बंद करके पिंजरे। उस पिंजरे में एक लोहे की कटोरी रखकर, कोई भी लौह पात्र रखकर, उसमें कौवे को दाना खिलाएं। दाना आप दिन में सुबह के समय और रात्रि के समय आप जो चाहें उसे खिला पिला सकते हैं, आप पता करने को वह क्या क्या खाता है, लेकिन दोपहर को केवल मट्ठा शहद और चावल ही दें। इस तरह से 7 दिन इस कौवे को दाना पानी दें। 7 दिन बाद कौवे को पिंजरे से निकाल के एक काले कपड़े के थैले में डालकर उसी स्थान पर ले जाए जहां पर आपने उसे पकड़ा था। अघोरी क्रिया है मित्रों, मतलब यदि आपने पेड़ पर चढ़कर, मतलब यदि आपने पेड़ पर चढ़कर उसे पकड़ा था तो उस पेड़ के नीचे उसको ले जाएं काले कपड़े में बंद करके, कौवे को मार दें और उसका दिल निकाल दें। ऐसा करते हुए कौवे की ना तो आवाज आनी चाहिए और ना उसके शरीर से रक्त की एक भी बूंद पृथ्वी पर गिरनी चाहिए। फिर कौवे को गड्ढा खोदकर वहीं भूमि में दबाकर आए, घर पर उसका दिल लाकर किसी भी पात्र में रखकर उसमें एक चुटकी सिंदूर, एक माशा कस्तूरी और 3 लौंग डालकर पीस ले, पीस के उसे गोली बना ले और उन गोलियों को छाया में सुखा ले, धूप में नहीं सुखानी है तो छाया में सुखा ले। जब गोलियां सूख जाएं तो इन सभी गोलियों पर, गोलियां मटर के दाने के बराबर होनी चाहिए मित्रों करीब, उन सभी गोलियों पर शत्रु के नाम का पहला अक्षर लिखकर, किसी टूथपिक से या किसी नुकीली चीज से शत्रु के नाम का पहला अक्षर लिखकर शत्रु के घर के बाहर जाकर गाड़ आए जमीन के अंदर। लेकिन ऐसा करते हुए आपको किसी को भी देखना नहीं चाहिए, दिन में गाड़ सकते हैं, रात में गाड़ सकते हैं, आधी रात में गाड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी आपको देख ना पाए। यदि आप ऐसा करने में सफल हो गए तो शत्रु आजन्म रोगी हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन अघोरी प्रक्रिया है, संभल कर करें। यदि सफल नहीं हो पाए अंतिम क्रिया तक तो इसका प्रभाव आपके ऊपर उल्टा भी पड़ सकता है। ध्यान से करें मित्रों और हमें बताएं कि परिणाम क्या है। नमस्कार।